तो अभी हो रहा है 7:30 और हम सब अभी रेडी हो गए हैं। अभी बस निकलेंगे, मेकअप वगैरह सब कुछ हो गया है। मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30 और मैं सुबह उठी हूँ 7 o'clock को। ब्रेकफास्ट वगैरह मेरा सब कुछ हो गया है। सुबह वीडियो नहीं स्टार्ट कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी थी इसलिए। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि स्टार्ट कर देती हूँ वीडियो। वैसे आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ, आज मैं जा रही हूँ डांडिया के लिए। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, अभी थी और थी, मैं एक्साइटेड थी, एक्साइटेड हूँ, पता नहीं जाके क्या होगा। तो आज शाम को जाने वाले हैं डांडिया के लिए। उसके लिए ड्रेस वगैरह सब रेडी करना पड़ेगा। मैं लहंगा पहन के जाऊँगी, दीदी भी लहंगा ही पहनेगी, सॉरी। तो बट मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि मैं कौन सा वाला लहंगा पहनूँ। मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ, 2-3-4 है, बट मैं सोच रही हूँ क्या पहनूँ क्या पहनूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। बट देखते हैं, मैं अभी थोड़ी देर में सिलेक्शन करूँगी कौन सा वाला पहनूँगी मैं। एक्चुअली मैंने ऑप्शन में 2 रखा है, एक है ग्रीन कलर का और एक है ब्लू कलर का। तो मैं वही सोच रही हूँ, ग्रीन कलर का, मतलब ग्रीन कलर वाला जो है वो मैंने अभी तक नहीं पहना है, बस पहन के एक फ़ोटो खींचा था। तो मैं बहुत ज़्यादा पहनने की मूड में हूँ वो वाला, बट उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैं क्या करूँ मैं सोच रही हूँ, बट देखती हूँ, मैं थोड़ी देर में सिलेक्शन कर ही लूँगी, करना ही पड़ेगा। तो और उसके उसके साथ अगर ग्रीन वाला पहनूँगी तो उसके साथ ब्लाउज बिल्कुल रेडी है। एक्चुअली ब्लाउज दोनों के लिए रेडी है, बट देखती हूँ मैं कौन सा वाला पहनती हूँ। और सबसे पहले तो अभी मैं जाती हूँ लंच बना लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा नहा के पूजा वगैरह करके ड्रेस का कुछ फिटिंग वगैरह करना है, क्या करना है मैं थोड़ा सा देखती हूँ। और उसके बाद दीदी के लहंगे का ब्लाउज़ को शायद थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा कुछ करती हूँ। और उसके बाद मम्मी के साड़ी का एक पल्लू स्टिच करना है, क्या बोलते उसको, पीको, नहीं पता नहीं कुछ भी है, वो करना है। और उसके बाद शायद आज थोड़ा सा और काम है, देखते हैं कैसा होता है, बताते हैं आप लोगों को। तो अभी मैं फिर आप लोगों से दोपहर को मिल रही हूँ डायरेक्ट, क्योंकि उसके बाद फिर मैं लंच वगैरह बनाने चली गई थी। फिर लंच वंच बना के नहाना फिर वगैरह सब कुछ काम ख़त्म करके रेडी हुई थी बाहर निकलने के लिए। थोड़ा सा शॉपिंग करना था, शॉपिंग मतलब कुछ ज्वेलरी लानी थी मार्केट से। बट जैसे ही निकले वैसे ही बारिश हो गया, फिर हम लोग घर आ गए, नहीं गए, अभी तक बारिश हो रहा है, आज पूरा दिन बारिश चल रहा है। पता नहीं यार डांडिया में जा भी पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि बारिश तो पूरा दिन, मतलब पूरा सुबह से हो ही रहा है, सुबह से नहीं, आई थिंक कल रात से हो रहा है बारिश, कंटिन्यूसली हो ही रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, शाम तक वेट करते हैं। अगर नहीं हुआ बारिश तो ही जाएंगे, अगर ज़्यादा बारिश हुआ तो नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर इतना हैवी ड्रेस पहन के फिर बारिश में भीगेंगे, ड्रेस ही ख़राब हो जाएगा यार, नहीं कर सकते ऐसा। आज नहीं होगा तो कल चली जाऊंगी, अभी तो 9 दिन चलेगा ये। और या फिर मैं देखती हूँ थोड़ा सा मार्केट अगर जा पाऊंगी तो, क्योंकि बारिश अभी थोड़ा सा कम हो रहा है, अभी थोड़ा सा कम हो गया है, अगर थोड़ा सा ब्राइट होता है तो उसके बाद शायद जाने वाली हूँ। देखते हैं, अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है क्योंकि ये मौसम की वजह से सब कुछ कैंसिल हो रहा है, देखते हैं। तो चलो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ और अगर मार्केट जाऊँगी तो मैं दिखाऊँगी क्या क्या लाई हूँ या फिर क्या क्या लाऊँगी। तो अभी बज रहे हैं 5:30 और अभी जस्ट जाऊँगी रेडी होने के लिए। थोड़ा सा गई थी नीचे, मार्केट नहीं जा पाई क्योंकि बारिश तो पूरा टाइम हो रहा था। अभी थोड़ी देर, आधा घंटा होगा, बारिश कम हुआ है, तो मैंने सोचा कि चलो मार्केट नहीं जाती हूँ, हमारे नीचे ही थोड़ा सा छोटा मोटा मार्केट है, वहीं से जाके लेके आते हैं। बट मैंने 2-3 दुकान घूमा है बट कहीं पर भी नहीं मिला। मैं लाने गई थी ऑक्सराइज ज्वेलरी बट कहीं पर भी नहीं मिला, सिर्फ एक इयररिंग मिला है, वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगी। और अभी थोड़ा सा चाय वाय पी के रेडी होने के लिए जाते हैं क्योंकि 7 बजे तक निकलना है और थोड़ा सा दीदी को भी रेडी करना पड़ेगा। और
चलो रेडी होके फिर मिलते हैं, बीच में मैं बात नहीं करूंगी क्योंकि फोन में चार्ज नहीं है, थोड़ा सा चार्ज में लगा देती हूँ, वहां पे जाके भी तो डांडिया का वीडियो बनाना है। तो अभी हो रहा है 7:30 और हम सब अभी रेडी हो गया है, अभी बस निकलेंगे, मेकअप वगैरह सब कुछ हो गया है। चलिए निकल के फिर वहां पे जाके मिलते हैं आप लोगों से, और मेरा जो आउटफिट है वो मैं बाद में फोटो ऐड कर दूंगी।
के 11 बज रहे हैं और हम आए थे 9:30-10 बजे तक आ गए थे। तो उसके बाद मैंने आके सबसे पहले चेंज करके, एक एडिटिंग बाकी था मेरा, आज ही पोस्ट करना है वो वाला वीडियो, थोड़ा बहुत किया हुआ था, थोड़ा सा मतलब थोड़ा बहुत बाकी था, तो मैं सोचा सबसे पहले तो एडिटिंग कर लेती हूँ, वो पोस्ट कर देती हूँ, उसके बाद वीडियो एंड कर दूंगी। मैंने अभी तक मेकअप भी रिमूव नहीं किया है और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो अभी बस वो वाला वीडियो एडिटिंग हो गया है। अब अभी बस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी, उसके बाद मैं मेकअप वेकअप निकाल के सो जाऊंगी। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो देख के मज़ा आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आने वाला वीडियो और भी अच्छा आने वाला है और मैं फिर से एक दिन जाने वाली हूँ डांडिया के लिए, बहुत ही मज़ा आया जाके। और स्पेशल थैंक्स टू वर्षा, अगर तुम ये वीडियो देख रही हो, थैंक यू सो मच, तुम्हारे लिए ही मैं जा पाई हूँ, वरना मुझे तो कुछ आइडिया भी नहीं था और तुमने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, मुझे सिखाया भी है वहाँ पर, थैंक यू सो मच यार। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा कुछ खास तो नहीं था और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाया है, कुछ स्पेशल नहीं था, बस यही था, मैं सोचा पहली बार डांडिया के लिए मैं जा रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।